अस्तल वाला प्लाजो बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, ये साड़ी में से बचा हुआ कपड़ा है, और ये मैंने 3 मीटर अस्तल लिया है, ये कॉटन वाला अस्तल है, इसको हम ऐसे रख लेंगे। और इसको मैंने एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया है। पहले हम एक पर्दे की कटिंग करेंगे, उसके बाद दूसरे पर्दे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की साइड में इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस निशान से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो प्लाजो की तैयार लंबाई चाहिए हमें 41 इंच, और अस्तल वाले पीस को हम 1 इंच कम रखते हैं, तो हम 40 इंच पर निशान लगा लेंगे, और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, तो 41 इंच पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम हिप का चौथा ही भाग लेके उसमें 2.5 इंच की लूजिंग जोड़ देंगे, तो हिप का नाप है 42 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच, और इसमें हम 2.5 इंच और जोड़ देंगे, तो 13 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब इस निशान से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। आसन के लिए निशान हम 13.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से 13.5 इंच तक सीधा निशान लगा देंगे। इस निशान से इधर की साइड में हम 2.5 इंच बढ़ा देंगे। आप चाहें तो 3 इंच भी बढ़ा सकती हैं, मैं यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ। अब इसमें हम गोलाई कर देंगे। यहाँ पे हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। मोरी के लिए निशान हम 11 इंच पे लगाएंगे। मोरी के लिए निशान आप अपने हिसाब से भी लगा सकती हैं, अगर आपको ज़्यादा चौड़ी मोरी पहननी है तो आप ज़्यादा पे भी निशान लगा सकती हैं। अब इस स्केल को हम ऐसे रख लेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम बचे हुए अस्तल को बिछा लेंगे। ये भी डबल है, और इस पीस को इसके ऊपर रख देंगे, और हम इसकी सेम कटिंग कर देंगे। ये मैंने साड़ी वाले कपड़े को लिया है और इसको भी एक बार फोल्ड करके रख लिया है। ये डबल है ये कपड़ा। अब इस अस्तल वाले पीस में से हम एक पीस को लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इस कपड़े को अस्तल वाले कपड़े से 1 इंच बड़ा रखेंगे हम। अब हम इसकी सेम कटिंग कर देंगे। ये मैंने साड़ी वाले कपड़े से भी एक पीस कट कर लिया है, ऐसे ही हम दूसरे पीस को भी कट कर लेंगे। ये मैंने साड़ी वाले पीस से दोनों पीस की कटिंग कर दी है। अब हम इनकी सिलाई शुरू करेंगे। तो एक पीस को हम ऐसे बिछा लेंगे। और इसके ऊपर अस्तल वाले पीस को बिछा देंगे। और हम इसके ऊपर पहले पिन लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरे पर्दों को भी बिछा के हम उसके ऊपर पिन लगा देंगे। उसके बाद हम दोनों साइड के आसन जोड़ेंगे।
ये मैंने अस्तर वाले पीस को नीचे साड़ी वाले पीस को रख के पिन लगा ली हैं। ऐसे ही मैंने दूसरे पर्दों को भी रख के पिन लगा ली हैं। आप चाहें तो कच्चा धागा भी कर सकती हैं इसके चारों साइड में। अब इसको हम ऐसे रख लेंगे सीधी साइड से। और इसके ऊपर इस पर्दे को रख लेंगे। इस इन दोनों पर्दों में भी मैंने पिन लगा दी हैं और इनको हम उल्टी साइड से रख लेंगे। इनकी सीधी साइड एक साइड में रहेगी और हम ऐसे सिलाई लगा के दोनों साइड के आसन जोड़ देंगे। ऐसे ही इधर भी हम ऐसे सिलाई लगा के आसन को जोड़ देंगे। ये मैंने दोनों साइड के आसन पर सिलाई लगा दी है। अब मैंने इसको मोरी की साइड से रख लिया है और इस अस्तल को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। अलग अलग इनको हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये मैंने इधर की साइड में इनको अलग अलग डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हम दूसरे पैर की मोरी पर भी सिलाई लगा देंगे और इस पर मैं लेस लगाऊंगी। आपको अगर लेस लगानी है तो आप लगा सकती हैं और नहीं लगानी है तो भले ही ना लगाएं। ये मैंने अस्तल वाली मोरी पर भी सिलाई लगा दी है डबल फोल्ड करके और इस पर भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद मैंने इस पर लेस लगा दी है। दोनों साइड की मोरी मैंने ऐसे ही तैयार कर ली हैं। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और इसकी बीच की सिलाई लगा देंगे और ऊपर की साइड से हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और बेल्ट तैयार कर देंगे इसकी। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे तो पहले इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद इसको डेढ़ इंच और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के हम इसकी बेल्ट तैयार कर देंगे। ये मैंने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक डालने के बाद मैं इस जगह को सिल दूंगी। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो मैंने 31 इंच लंबी ये इलास्टिक ली है। इसको मैं सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें डाल दूंगी। इस पे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे दो तीन बार। अब हम इस खुली हुई जगह को सिल देंगे। एक सिलाई हम इलास्टिक के बीच में लगा देंगे और हम इलास्टिक को दो तीन बार ऐसे खींच के इलास्टिक के ऊपर कपड़ा बराबर कर लेंगे। मैंने इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा प्लाजो बन के तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।